शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है क्षमा द्वारा परिवर्तन। कहते हैं कि एक पादरी था, बहुत ही आध्यात्मिक था, भक्ति भाव वाला था, उसको सबके प्रति बहुत प्रेम था, सबका सम्मान करता था, सबकी मदद करता था, सहयोग देता था। जो भी उनके घर आते थे खाली हाथ नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे। एक बार की बात है, एक बार एक चोर भटकते भटकते उनके वहां से गुजरा, पुलिस उसके पीछे थी। अब पादरी के घर का दरवाजा खुला था, रात का समय था, तो चोर पादरी के घर में आ गया। पादरी को तो मालूम नहीं था कि वो चोर है। उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनका आदर किया, कहां से आए हो, क्यों आए हो। चोर ने झूठ बोला कि मैं मुसाफिर हूं, भटक गया हूं, मैं रात को यहां रुकना चाहता हूं, सुबह चला जाऊंगा। पादरी ने कहा, कोई बात नहीं, आप प्रेम से रहो, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ, सोने का प्रबंध करता हूँ। उनको भोजन खिलाया, सोने की जगह दिया। जब वो रात को सोने गए ना, तो चोर ने देखा कि उनके घर में दो दीप दान सोने के रखे थे। अब चोर को तो चोरी का ही संकल्प आता है, तो उसने क्या किया, वो दोनों दीप दान सोने के उठाकर रात ही रात को भाग गया। जाते जाते सामने से उसको पुलिस मिली, जो चोर को ढूंढ रही थी, तो वो पकड़ में आ गया और उसके हाथ में जो सोने के दीप दान थे तो पुलिस ने ले लिया और बोला, ये कहां से लाए। तो चोर ने बताया कि पादरी के घर से मैंने चोरी की है। तो पुलिस ने पादरी को बुलाया और उनको कहा कि देखो, ये चोर आपके घर आया था और ये आपकी चीज चुरा करके ले जा रहा है। पादरी ने पुलिस को कहा कि नहीं, ये कल मेरे घर में मेहमान बन करके आया था ना, तो मैंने इसको ये दीप दान उपहार में दिए हैं, इसलिए आप इनको छोड़ दो, इसको पकड़ो नहीं। जब चोर ने ये सुना, हैरान हो गया, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए कि ये व्यक्ति जो है, मैं इनकी घर में चोरी करने गया, चोरी भी किया और फिर भी ये मुझे बचाने का प्रयत्न कर रहा है। पुलिस जाने के बाद वो पादरी के पांव में पड़ गया, क्षमा मांगी और आगे से कभी भी चोरी न करने का संकल्प किया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी किसी के गुनाहों को क्षमा करने से हम उनके जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। व्यक्ति परिस्थिति के ऊपर आधार होता है, इसलिए उसे देखते हुए हम अपने हृदय को, दिल को बड़ा रखें। क्षमा करके अगर हम किसी का परिवर्तन कर सकते हैं तो अवश्य करें। ओम शांति।